हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज इस वीडियो में ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का बिहार पुलिस स्पेशल विभिद को देखने वाले हैं, जिसमें 329 प्रश्न दिए गए हैं, जिसे हम लोग पार्ट बाई पार्ट करके कंप्लीट करेंगे। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया गया है, भारत के प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन है? भारत के प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन नंबर बी। इनका जन्म कहाँ हुआ? तो मयूरभंज जिला उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह 15वें क्रम की राष्ट्रपति हैं। भारत की प्रथम महिला लोकसभा के महासचिव कौन बने हैं? प्रथम महिला लोकसभा की महासचिव कौन बनी हैं? यह बनी हैं स्नेहलता श्रीवास्तव, ऑप्शन नंबर सी। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो मीरा कुमार थी। भारत के प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री कौन बनी हैं? राजकुमारी अमृत कौर, राधाबाई सुब्बारायण, सरोजनी नायडू या फिर रजिया सुल्तान? ऑप्शन नंबर ए, राजकुमारी अमृत कौर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। यूपीएससी के प्रथम महिला अध्यक्ष किसको बनाया गया था? यूपीएससी के प्रथम महिला अध्यक्ष किसको बनाया गया था? तो रोज मिलियन वैथ्यू को, रोज मिलियन वैथ्यू को। किसी राज्य की विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष किसे बनाया गया था? किसी राज्य की विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष किसे बनाया गया था? श्रीमती सन्नू देवी को। सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? यह नियुक्त किया गया मीरा शाही फातिमा बीवी को, ऑप्शन नंबर बी। संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला भारतीय राजदूत कौन बनी है? बिल्कुल इजी क्वेश्चन, विजया लक्ष्मी पंडित, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन थी। एवरेस्ट पर लगातार दो बार चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन है? एवरेस्ट पर लगातार दो बार चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन है? यह हो जाएगा संतोष यादव, ऑप्शन नंबर ए, संतोष यादव। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? यह महिला है मदर टेरेसा, ऑप्शन नंबर बी, मदर टेरेसा। क्वेश्चन नंबर 10, मिस वर्ल्ड बनने वाली प्रथम महिला कौन है? मिस वर्ल्ड बनने वाली प्रथम महिला कौन है? यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुमारी रीता कारिया, ऑप्शन नंबर ए दिया गया है। अर्जुन एवं राजीव गांधी खेल रत्न दोनों पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कौन है? अर्जुन एवं राजीव गांधी खेल रत्न दोनों पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कौन है? यह महिला है कुंज रानी, ऑप्शन नंबर बी। भारत की प्रथम महिला स्नातक किसे नियुक्त किया गया था? भारत की प्रथम महिला स्नातक किसे नियुक्त किया गया था? यह हो जाएगा कौमिनी राय, ऑप्शन नंबर बी। एक मैं क्लियर कर देना चाहती हूँ, जो इसमें आंसर दिया गया है मैं वही आंसर आप लोगों को बता रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। किसी क्वेश्चन में अगर डाउट होता है या फिर मिस्टेक होता है तो आप लोग बेशक कमेंट करिएगा, वहाँ मैं आप लोगों को रिप्लाई दूंगी। भारत की प्रथम महिला फिजिशियन किसे बनाया गया था? भारत की प्रथम महिला फिजिशियन किसे बनाया गया था? आनंदीबाई गोपाल राव को, ऑप्शन नंबर ए। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? कमलजीत संधू, कमलजीत संधू। दक्षिणी ध्रुव पर पहुँचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? दक्षिणी ध्रुव पर पहुँचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो यह महिला है रीना कौशल धर्मसंघ टू, रीना कौशल धर्म संकटु। निम्नलिखित में से कौन प्रथम महिला लेफ्टिनेंट जनरल बनी थी? पुनीत अरोड़ा, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन प्रथम महिला लेफ्टिनेंट जनरल बनी थी? पुनीत अरोड़ा। निम्नलिखित में से कौन दूरदर्शन समाचार वाचक प्रथम महिला बनी है? दूरदर्शन समाचार वाचक प्रथम महिला कौन थी? यह हो जाएगा प्रतिमा पुरी, ऑप्शन नंबर ए, प्रतिमा पुरी। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब जीतने वाली प्रथम महिला कौन बनी? विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब जीतने वाली प्रथम महिला कौन बनी? यह महिला है पीवी सिंधु, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सदस्य बनने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन बनी है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सदस्य बनने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन बनी है? नीता अंबानी, बिल्कुल राइट आंसर, नीता अंबानी। एशियाड में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम महिला कौन बनी? एशियाड में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम महिला कौन बनी है? विनेश फोगाट, ऑप्शन नंबर बी। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय कौन है? भारत का अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय कौन है? प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से कौन स्वतंत्र भारत का प्रथम तथा अंतिम गवर्नर जनरल कौन है? स्वतंत्र भारत का प्रथम तथा अंतिम गवर्नर जनरल कौन है भारतीय पूछा गया है? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, ऑप्शन नंबर बी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। निम्न में से कौन भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति बने थे? कौन भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति बने थे? यह जाकिर हुसैन, और इनका निधन पद पे रहते हुए हो गया था।
और फखरुद्दीन अली अहमद इनका भी पद पर रहते हुए निधन हुआ था। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन भारत का प्रथम उप प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री बने थे? प्रथम उप प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल ऑप्शन नंबर बी। भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाला प्रथम मंत्री कौन बने थे? भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाला प्रथम मंत्री कौन बने थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। इनमें से कौन भारत का प्रथम नौसेना अध्यक्ष कौन बने हैं बताइएगा? आर डी कटारी ऑप्शन नंबर सी। निम्न से कौन भारत का प्रथम नौसेना अध्यक्ष बने हैं? आर डी कटारी ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन भारत का प्रथम चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया था? प्रथम चुनाव आयुक्त कौन नियुक्त किया गया था? सुकुमार सेन ऑप्शन नंबर ए। निम्न से कौन स्वतंत्र भारत में जन्मे भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? स्वतंत्र भारत में जन्मे भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? सरोज होमी कपाड़िया ऑप्शन नंबर ए। निम्न से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? डब्ल्यू सी बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक कौन है? वैज्ञानिक पूछा गया है सी वी रमन। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी नागरिक कौन थे? ऑप्शन नंबर बी खान अब्दुल गफ्फार खां, जिन्हें सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है, जिन्होंने लाल कुर्ती दल की स्थापना की थी। इनमें से कौन बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाला भारतीय कौन है? ऑप्शन नंबर ए शेरपा फू दोरजी। इनमें से कौन मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज था? हॉपकिंस था ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन भारत आने वाला प्रथम रूसी प्रधानमंत्री थे? निकोलाई ए बुल्गारिन। ओलंपिक में व्यक्तिगत स्वप्रतिस्पर्धा में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन थे? अभिनव बिंद्रा। भारत में प्रिंटिंग प्रेस का प्रचलन करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन थे? जेम्स ए हिकी। निम्नलिखित में से कौन भारत का प्रथम परमाणु पनडुब्बी कौन थी? आईएनएस चक्र ऑप्शन नंबर ए। भारत का प्रथम मध्य दूरी वाला मिसाइल कौन है? यह मिसाइल कौन सा है? अग्नि है। भारत का प्रथम खुला विश्वविद्यालय इनमें से कौन है? आंध्र प्रदेश खुला विश्वविद्यालय ऑप्शन नंबर ए। भारत में प्रथम एशियाई खेल का आयोजन कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर ए नई दिल्ली। देश में पहली बार दूरदर्शन में रंगीन कार्यक्रमों का प्रसारण कब किया गया था? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 15 अगस्त 1982। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन 1912 में प्रथम मुख्य फिल्म बनी थी? यह कौन सी फिल्म थी? तो राजा हरिश्चंद्र। भारत में पहली बार प्रथम महिला रोजगार कार्यालय कहाँ खोला गया था? जयपुर में। भारत का प्रथम हाई स्पीड ग्रामीण ब्रॉडबैंड नेटवर्क की शुरुआत कहाँ किया गया है? ऑप्शन हो जाएगा ए इडुक्की, केरल। भारत में सबसे लंबा सड़क पुल निम्नलिखित में से कौन है? भूपेन हजारिका पुल ऑप्शन नंबर ए। दूसरे नंबर महात्मा गांधी सेतु पुल। भारत में सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन है? भाखड़ा बांध ऑप्शन नंबर बी। किस नदी पर है?
सतलज नदी पर। भारत में सबसे बड़ी झील कौन है? भारत में सबसे बड़ी झील कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए बुल्लर झील। निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर है? भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर कौन सा है? कैलाश मंदिर। निम्न में से कौन भारत की सबसे ऊंची चोटी है? सबसे ऊंची चोटी है बताइएगा, ऑप्शन नंबर ए गॉडविन ऑस्टिन K2। निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग है? सबसे लंबी सड़क सुरंग कौन सा है? यह है चेनानी नासरी सुरंग, ऑप्शन नंबर ए। भारत में सबसे अधिक वनों वाला राज्य कौन है? भारत में सबसे अधिक वनों वाला राज्य कौन सा है? तो यह मध्य प्रदेश है, ऑप्शन नंबर सी। घनत्व कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश। भारत के सबसे ऊंची झरना कुचिकल किस नदी पर स्थित है? 455 मीटर इसकी ऊंचाई है। कुचिकल झरना जो है यह कहाँ स्थित है, किस नदी पर स्थित है, यह बताना किस नदी पर है? तो यह बराही नदी पर है। निम्न में से कौन भारत की सबसे लंबी नदी है? भारत की सबसे लंबी नदी है यह गंगा। इसकी जो लंबाई है 25 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 54, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी। भारत का सबसे लंबा समुद्र तट कौन सा है? सबसे लंबा समुद्र तट कौन सा है? मरीना बीच। निम्न में से कौन भारत का सबसे ऊंची मीनार है? भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सा है? कुतुब मीनार है, ऑप्शन नंबर बी। भारत में सबसे बड़ा मस्जिद कौन सी है? जो इजी है निकल चलते हैं फास्ट तरीके से, जामा मस्जिद। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ स्थित है? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई। भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? स्टैचू ऑफ यूनिटी। भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी, लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर, इंदिरा गांधी नहर। भारत में डेल्टा न बनाने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? डेल्टा न बनाने वाली, डेल्टा नहीं बनाते नर्मदा और ताप्ती, सबसे बड़ी नदी कौन सी है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, बी और सी दोनों। नर्मदा और ताप्ती जो है यह डेल्टा नहीं बनाती है, एस्चुरी का निर्माण करती है। भारत में सबसे ऊंचा टीवी टावर कौन है? सबसे ऊंचा टीवी टावर पीतमपुरा। भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? यह है NH-44। निम्नलिखित में से भारत में सबसे लंबा रेल मार्ग कौन है? निम्नलिखित में से भारत में सबसे लंबा रेल मार्ग कौन है? यह हो जाएगा डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी, ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से कौन भारत के सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है? सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? यह गुजरात। निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोच्च सौर सम्मान है? भारत का सर्वोच्च सौर सम्मान कौन सा है? यह परमवीर चक्र, ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से कौन भारत के क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला है? क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला कच्छ। शिक्षा का अनिवार्य करने वाला प्रथम देश कौन सा था? शिक्षा का अनिवार्य करने वाला प्रथम देश कौन सा था? प्रसा था, ऑप्शन नंबर सी। प्रसा दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी। विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा था? विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय तक्षशिला विश्वविद्यालय। विश्व में किसी देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है? यह हो जाएगा श्रीलंका का एस भंडार नायके, ऑप्शन नंबर ए एस भंडार नायके। विश्व में सिविल सेवा प्रतियोगिता शुरू करने वाला पहला देश कौन सा है? बिल्कुल ईजी क्वेश्चन, यह है चीन। सिविल सेवा प्रतियोगिता शुरू करने वाला देश चीन। विश्व में उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम महिला कौन है? विश्व में उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम महिला कौन है? यह महिला है फ्रांसिस फिप्स, ऑप्शन नंबर सी। फ्रांसिस फिप्स, ऑप्शन नंबर सी। विश्व में एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? विश्व में एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? जुको तेजई। विश्व में दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? एमंडसन है, ऑप्शन नंबर ए। एमंडसन ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए ही दिया गया है। विश्व के चारों ओर समुद्री यात्रा करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? विश्व के चारों ओर समुद्री यात्रा करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? यह है मैगलन। विश्व में चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश कौन है? विश्व में चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश कौन सा है? यह देश है अमेरिका। निम्नलिखित में से कौन अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? बिल्कुल भी आप लोग को बीच में डिस्टर्ब नहीं करेंगे, लगातार इसे कंप्लीट करेंगे। निम्नलिखित में से कौन अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन हो जाएगा? मेजर यूरी गागरिन, ऑप्शन नंबर बी। अंतरिक्ष में पहुंचने वाला व्यक्ति कौन था? मेजर यूरी गागरिन। नील आर्मस्ट्रांग कहाँ गया था? बताइएगा नील आर्मस्ट्रांग कहाँ गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हालांकि इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी दिया गया है।
मैं आप लोग को लास्ट में आंसर भी दिखा दूंगी। विश्व में इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली प्रथम महिला कौन थी? इंग्लिश चैनल को तैर कर पार करने वाली पहली महिला गर्टरूड एडरले। ऑप्शन नंबर ए। विश्व में रोबोट को नागरिकता देने वाला प्रथम देश कौन है? रोबोट को नागरिकता देने वाला प्रथम देश सऊदी अरब। ऑप्शन नंबर सी। कौन ऐच्छिक मृत्यु का अधिकार प्रदान करने वाला विश्व का प्रथम देश बना है? ऐच्छिक मृत्यु का अधिकार प्रदान करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन बना है? तो यह देश बना है नीदरलैंड। संविधान निर्माण करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन है? संविधान निर्माण करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है? तो यह बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अमेरिका। शांति के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति कौन है? शांति के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? यह दिया गया था केड्रिक पासी को। ऑप्शन नंबर बी आंसर दिया गया है। चिकित्सा विज्ञान में प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति कौन है? वॉन बेहरी। विश्व में किसी देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? ऑप्शन नंबर बी दिया गया, मारिया एस्टेला रेजा बेला। विश्व में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। विश्व में सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर है। विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? सबसे बड़ा देश जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस है। भारत का स्थान 7वां है। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है? जनसंख्या घनत्व जो है यह सिंगापुर। विश्व में सबसे लंबी सीमा वाला देश निम्न में से कौन सा है? यह देश कौन सा हो जाएगा? कनाडा। ऑप्शन नंबर ए कनाडा। क्वेश्चन नंबर 90। विश्व में सबसे बड़ा द्वीप समूह निम्न में से कौन सा है? तो यह हो जाएगा इंडोनेशिया। विश्व में सबसे बड़ी नदी चौड़ी व बहाव की दृष्टि से कौन सा है? अमेजन है। और सबसे लंबी नील। विश्व में सबसे बड़ा सागर कौन सा है? यह हो जाएगा दक्षिण चीन सागर। विश्व में सबसे बड़ी ताजे पानी की झील निम्न में से कौन है? ताजे पानी की झील सुपीरियर झील। ऑप्शन नंबर बी सुपीरियर झील, जो कनाडा और अमेरिका की सीमा में स्थित है। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? माउंट एवरेस्ट है। ऑप्शन नंबर सी। विश्व में सबसे लंबी पर्वतमाला निम्न में से कौन है? इंडीज पर्वत। विश्व का सर्वाधिक ऊंचा ज्वालामुखी निम्न में से कौन सा है? ज्वालामुखी माउंट कोटोपैक्सी। विश्व का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन निम्न में से कौन है? ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल। निम्नलिखित में से कौन एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? एशिया का पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए गोबी रेगिस्तान। कहाँ में है? मंगोलिया और चीन की सीमा के पास है। सहारा कहाँ है? अफ्रीका में। भारत में थार है। निम्न में से कौन विश्व की सबसे ऊंची बिल्डिंग है? यह बिल्डिंग है बुर्ज खलीफा। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? महाकाव्य तो रामायण और महाभारत दोनों हैं। ऑप्शन के अकॉर्डिंग हो जाएगा बी, महाभारत सबसे बड़ा महाकाव्य है। विश्व का सबसे बड़ा राजमार्ग निम्न में से कौन है? 101 नंबर क्वेश्चन पर पहुंच गए हैं, कोशिश करेंगे 200 क्वेश्चन करवाने का। विश्व का सबसे बड़ा राजमार्ग निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी ट्रांस कैनेडियन राजमार्ग। हालांकि इसमें क्वेश्चन जो दिए गए हैं 329 प्रश्न दिए गए हैं, एक बार में मैं इतना क्वेश्चन नहीं करवा पाऊंगी क्योंकि गले में प्रॉब्लम हो जाती है। चलिए प्रयास करेंगे। विश्व का सबसे विशाल मंदिर निम्न में से कौन सा है? तो यह अंकुरवाट का मंदिर। विष्णु भगवान का यह मंदिर है, कंबोडिया में स्थित है। विश्व का सर्वाधिक बुद्धिमान पशु निम्न में से कौन सा है? तो यह हो जाएगा चिंपैंजी। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 104। विश्व का सबसे बड़ा सोलर पावर पार्क निम्न में से कौन है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए आदला सोलर पार्क। चांद तारा किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? तुर्की का। वाटर लिली किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? बांग्लादेश। अशोक स्तंभ किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? इसमें कोई शक नहीं, भारत का है। मैकमोहन रेखा निम्न में से किन दो देशों को आपस में अलग करती है? मैकमोहन रेखा भारत और चीन।
भारत और चीन, ऑप्शन नंबर बी। 49वीं समांतर रेखा निम्न में से किन दो देशों को आपस में अलग करती है? 49वीं समांतर रेखा किसे अलग करती है? यह अलग करती है किसे? ऑप्शन हो जाएगा 49वीं समांतर अमेरिका और कनाडा। बिल्कुल राइट आंसर। किस देश का राष्ट्रीय स्मारक का नाम क्रेमलिन है? रूस का। किस देश का राष्ट्रीय स्मारक का नाम ओपेरा हाउस है? किस देश का है? ऑस्ट्रेलिया का। किस देश का राष्ट्रीय स्मारक पवन चक्की? किस देश का है? इटली का है। पवन चक्की इटली का है। ऑप्शन नंबर ए। समान गहराई के समुद्र स्थलों को जोड़ने वाली रेखाएं क्या कहलाती हैं? यह कहलाती है समगहरी रेखाएं, आइसोबाथ कहलाती है। समान वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा को क्या कहते हैं? आइसोहाइट। सम वर्षा रेखा कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 115। एसोसिएटेड प्रेस किस देश का समाचार एजेंसी है? अमेरिका का। बरनामा किस देश का समाचार एजेंसी है? बरनामा मलेशिया का। मेना किस देश का समाचार एजेंसी है? मिस्र का है। ऑप्शन नंबर ए मिस्र का। यूपीपी किस देश का पाकिस्तान का। ऑरेंज बुक किस देश का सरकारी दस्तावेज है? नीदरलैंड का। येलो बुक किस देश का सरकारी दस्तावेज है? येलो बुक किस देश का है? तो यह फ्रांस का है। ऑप्शन नंबर सी। आंखों पर बंधी पट्टी और हाथ में तराजू लिए स्त्री यह किसका प्रतीक है? बताइएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, न्याय का। लाल त्रिकोण किसका प्रतीक है? यह हो जाएगा परिवार नियोजन का। एक दूसरे को काटती दो हड्डियां और ऊपर खोपड़ी यह किसका प्रतीक है? देखे होंगे। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिजली का खतरा। कनाडा का राष्ट्रीय पशु पक्षी निम्न में से कौन है? कनाडा का पूछा गया है। ऑप्शन नंबर सी गंजा ईगल। निम्नलिखित में से कौन ग्रीस देश का अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवाएं हैं? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी ओलंपिक एयरवेज। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वींसलैंड एंड नॉर्दर्न टेरिटरी एरियल सर्विस किस देश का अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवाएं हैं? ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए ऑस्ट्रेलिया का। क्वेश्चन नंबर 127। निम्नलिखित में से कौन हांगकांग की अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवाएं हैं? कैथी पैसिफिक एयरवेज। कौन पनामा का अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवाएं हैं? ऑप्शन नंबर बी कोपा। ईस्टर्न सन समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित होता है? सिंगापुर से। निम्न से कौन मास्को से समाचार पत्र प्रकाशित होता है? इज़बेस्तिया। ऑप्शन नंबर ई। निम्न से कौन पेरिस से समाचार पत्र प्रकाशित होता है? पेरिस से। यह हो जाएगा ला मांदा। डॉन का जो प्रकाशन होता है यह कराची से, यह भी ध्यान रखें कराची से। निम्न से कौन जो चीन का गुप्तचर संस्था है? चीन का गुप्तचर संस्था कौन सा हो जाएगा? सेंट्रल एक्सटर्नल लेखा डिपार्टमेंट। ऑप्शन नंबर सी। अमेरिका का गुप्तचर संस्था का क्या नाम है? यह नाम है फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ऑप्शन नंबर ए FBI, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। क्वेश्चन नंबर 134। निम्न से किस देश के संसद का नाम ड्यूमा है? रूस। बांग्लादेश के संसद का नाम क्या है? जिसका नाम है जातीय संसद। मलेशिया के संसद का नाम दीवान निगार। किस देश का नाम सोजिम है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए पोलैंड का।
संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। बिल्कुल इजी क्वेश्चन। 24 अक्टूबर 1945 को, 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस भी मनाया जाता है। कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य बना है? संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य देश कौन सा बना है? तो यह देश हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दक्षिणी सूडान। संयुक्त राष्ट्र के कितने अंग हैं? संयुक्त राष्ट्र के कितने अंग हैं? 6 अंग हैं। निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है? कौन सा संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग नहीं है? तो विश्व व्यापार संगठन WTO नहीं है, सुरक्षा परिषद, महासभा, सचिवालय, यह सब संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग है। संयुक्त राष्ट्र संघ किसका उत्तराधिकारी है? संयुक्त राष्ट्र संघ किसका उत्तराधिकारी है? यह है लीग ऑफ नेशंस का। संयुक्त राष्ट्र संघ कार्यालय की कार्यकारी भाषा कौन सी है? संयुक्त राष्ट्र संघ कार्यालय की कार्यकारी भाषा कौन सी है? यह भाषा है अंग्रेजी और फ्रेंच। संयुक्त राष्ट्र संघ UNO में हिंदी में भाषण देने वाली प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन थे? यह थे अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन नंबर सी। 2001 में संयुक्त राष्ट्र को जब नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, उस समय महासचिव कौन थे? 2001 में संयुक्त राष्ट्र संघ को जब नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, उस समय महासचिव कौन थे? यह थे कोफी अन्नान। संयुक्त राष्ट्र संघ में वीटो का क्या अर्थ है? संयुक्त राष्ट्र संघ में वीटो का क्या अर्थ है? मैं निषेध करता हूँ, निषेधात्मक वोट। पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड किसे कहा जाता है? विश्व का संसद किसे कहा जाता है? विश्व का संसद कहा जाता है जनरल असेंबली को, ऑप्शन नंबर सी। संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग को विश्व का लघु संसद कहते हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग को विश्व का लघु संसद कहते हैं? किसे कहते हैं? महासभा को। निम्न से कौन अस्थाई देश का सदस्य नहीं है? भारत जो है अस्थाई देश का सदस्य नहीं है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। सर्वप्रथम वीटो पावर का इस्तेमाल किस देश ने दिया था? सर्वप्रथम वीटो पावर का इस्तेमाल किस देश ने किया था? किया था होना चाहिए। 150 का जो आंसर दिया गया, ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका। अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 151, संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय के लिए कितने जमीन दान में दी थी? संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय के लिए किसने जमीन दान में दी थी? किसने जमीन दान में दी थी? किसने दी थी? जॉन डी रॉकफेलर। संयुक्त राष्ट्र संघ का नारा किसने दिया था? संयुक्त राष्ट्र का नाम किसने दिया था? माफ करिएगा, संयुक्त राष्ट्र का नाम किसने दिया था? यह किसने दिया था? फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने। संयुक्त राष्ट्र संघ के संविधान चार्टर में कितने अध्याय और अनुच्छेद हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ के संविधान चार्टर में कितने अध्याय और अनुच्छेद हैं? 19 अध्याय और 111 अनुच्छेद, ऑप्शन नंबर बी। संयुक्त राष्ट्र का बजट कौन पेश करता है? कौन पेश करता है? महासचिव। संयुक्त राष्ट्र का बजट महासचिव। संयुक्त राष्ट्र के किस अंग ने 1 नवंबर 1994 से अपने कार्यों को औपचारिक रूप से निलंबित कर दिया? न्यास परिषद। संयुक्त राष्ट्र के किस धारा में वीटो पावर के बारे में बताया गया है? संयुक्त राष्ट्र के किस धारा में वीटो पावर के बारे में बताया गया है? धारा 27, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किस संगठन का मुख्यालय जिनेवा नहीं है? किसका मुख्यालय जिनेवा नहीं है? ऑप्शन हो जाएगा डी, विश्व पर्यटक संगठन का मुख्यालय जिनेवा नहीं है, जबकि विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व व्यापार संगठन, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय जिनेवा में है। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए, मॉन्ट्रियल कनाडा में। इनमें से किसका मुख्यालय वियना में स्थित है? वियना में जो स्थित है यह हो जाएगा व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संगठन CTBT का। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब की गई थी? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1 जनवरी 1995 को की गई थी। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 161, निम्नलिखित में से विश्व व्यापार संगठन के बारे में सत्य नहीं है? WTO के बारे में कौन सा सही नहीं दिया गया है यह बताना है। ऑप्शन नंबर डी जो है यह गलत है। WTO का आधिकारिक तौर पर 1 जनवरी 1991 को गठित किया गया था, यह गलत नहीं है। WTO की स्थापना कब हुआ था आप लोग कमेंट करके बताइएगा। WTO की जो स्थापना हुआ था 1 जनवरी 1995 को, ना कि 1 जनवरी 1991 को। विश्व व्यापार संगठन एक अस्थायी संगठन है, यह सही है। गैट के उरेगुए दौर से विश्व व्यापार
संगठन को जन्म दिया। मंत्रिपरिषद विश्व व्यापार संगठन की नीति बनाने वाला सर्वोच्च संस्था है। वर्तमान में विश्व व्यापार संगठन में कितने सदस्य हैं? वर्तमान में विश्व व्यापार संगठन में कितने सदस्य हैं? विश्व व्यापार संगठन में कितने सदस्य हैं? ऑप्शन हो जाएगा ए 160। शब्द इनर सिक्स किससे संबंधित है? इनर सिक्स किससे संबंधित है? यूरोपियन समुदाय से। यूरोपीय संघ के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यूरोपीय संघ के बारे में कौन सा कथन है जो सही नहीं दिया गया? ऑप्शन नंबर डी सही नहीं है। जर्मनी यूरोपीय संघ का संस्थान सदस्य है। क्रोएशिया यूरोपीय संघ का नवीनतम सदस्य है। यूरोपीय संघ के सभी सदस्य माल्टा का क्षेत्रफल सबसे छोटा है। यह सब सही है, बाकी यह गलत दिया गया है। यूरोपीय संघ के सभी सदस्य देश अपनी राष्ट्र की मुद्रा के रूप में यूरो का उपयोग करते हैं, यह गलत है। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? लग्जमबर्ग में है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? यूरोपीय संघ का मुख्यालय लग्जमबर्ग होना चाहिए, बेल्जियम दिया गया है। आप लोग एक बार कन्फर्म करेंगे। मैंने कोई प्रैक्टिस सेट में लग्जमबर्ग ही करवाया है, इस कारण से कन्फ्यूज हो रहा है इसमें। यूरोपीय आर्थिक समुदाय का मुख्यालय कहाँ है? यूरोपीय आर्थिक समुदाय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जिनेवा में। नाटो की स्थापना कब हुई थी? बताइएगा नाटो की स्थापना कब हुई थी? 4 अप्रैल 1949 को। 4 अप्रैल 1949 को बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। 6 जनवरी 2019 को कौन सा देश नाटो का 30वां सदस्य बना? 6 जनवरी 2019 को कौन सा देश नाटो का 30वां सदस्य बना? यह बना है मेसिडोनिया। नाटो को अन्य किस नाम से जाना जाता है? यह जाना जाता है रक्षा संधि के नाम से। एशियाई विकास बैंक की स्थापना कब की गई थी? ADB एशियाई डेवलपमेंट बैंक की स्थापना कब की गई थी? 19 दिसंबर 1966 को। निम्न में से आसियान के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? आसियान सदस्य देशों की संख्या कितनी है? यह हो जाएगा 10। कितना? 10। आसियान क्षेत्रीय संगठन है जो किस क्षेत्र से संबंधित है? आसियान क्षेत्रीय संगठन है जो किस क्षेत्र से संबंधित है? यह संबंधित है दक्षिण पूर्वी एशिया से। निम्न में से सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सार्क का मुख्यालय है काठमांडू। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर। 8 देश इसमें शामिल है, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? ढाका में हुआ था। निम्न से G8 की स्थापना फ्रांस द्वारा कब किया गया? G8 की स्थापना फ्रांस द्वारा कब किया गया? तो 1975 ईस्वी में। निम्न में से अरब लीग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अरब लीग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो स्थित है काहिरा। विश्व रेड क्रॉस की स्थापना कब किया गया था? विश्व रेड क्रॉस की स्थापना कब किया गया था? 1863 को। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है आप लोग बताइएगा? रेड क्रॉस का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है युद्ध व आपातकाल के समय चिकित्सा सहायता प्रदान करना। रेड क्रॉस को कितनी बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है? 3 बार। कितनी बार? 3 बार। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। ब्रिक्स शिखर का पहला सम्मेलन कब हुआ था? सोलह जून 2009 को। साउथ अफ्रीका ब्रिक्स का सदस्य कब बना? यह बना था कब बताइएगा? यह बना था 2010 में। ऑप्शन नंबर बी दिया गया है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भारत ने कितनी बार अध्यक्षता की है? यह की है 3 बार, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, कम क्वेश्चन रहता तो मैं इसका डिटेल भी आप लोगों को बता दी। गुट निरपेक्ष देशों के सदस्य संख्या वर्तमान में कितनी है? 329 क्वेश्चन था, इसका डिस्कशन करवाना मेरे बस की बात नहीं था, इस कारण से मैं आप लोग को डिस्कशन नहीं करवा पा रही हूँ। गुट निरपेक्ष देशों के सदस्य संख्या वर्तमान में कितनी है बताइएगा? कितनी है? 120। राष्ट्रमंडल खेल पहली बार कहाँ आयोजित हुए थे? यह आयोजन किया गया था हैमिल्टन, कनाडा। भारत ने पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों में कब भाग लिया था? भारत ने भाग लिया था 1934 लंदन राष्ट्रमंडल खेल में। किस देश में सबसे ज़्यादा बार राष्ट्रमंडल खेल आयोजित हुए हैं? यह आयोजित किया गया ऑस्ट्रेलिया में। विश्व वन्यजीव संरक्षण संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ग्लांड में, ऑप्शन नंबर ए। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो हो जाएगा पेरिस में। इनमें से 4 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 4 जनवरी को लुईस ब्रेल दिवस मनाया जाता है।
प्रवास भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को, राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को, और विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? बताइएगा विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को, कंफर्म नहीं लेकिन 10 जनवरी को ही मनाया जाता है। 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है, कंफर्म नहीं कर सकते, आप लोग बताइएगा विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है और राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। निम्न में से 15 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है, 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस, और 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। निम्न में से 8 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। राम मनोहर लोहिया जयंती कब मनाया जाता है? राम मनोहर लोहिया जयंती 23 मार्च को। 194 नंबर प्रश्न, विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 18 अप्रैल को। 31 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 31 मई को विश्व तंबाकू रोधी दिवस। निम्न में से 3 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 3 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, ऑप्शन नंबर ए होगा। 11 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 11 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस 7 अगस्त को ही मनाया जाता है। निम्न में से 14 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? आ गया 14 सितंबर, ऑप्शन नंबर बी हिंदी दिवस, मैंने सही आप लोग को बताया था। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस और 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। शिक्षक दिवस 5 सितंबर, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस 16 सितंबर को। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 8 सितंबर। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस कब मनाया जाता है? 5 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है ये भी बताइएगा, डॉल्फिन। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए 1 अक्टूबर को। 24 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस। इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि दिवस कब मनाया जाता है? 200 क्वेश्चन प्लस जा चुके हैं अभी तक, मैं ठीक हूँ, कोशिश करूँगी इसी वीडियो में कंप्लीट करवा देने का। इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि दिवस कब मनाया जाता है बताइएगा, 31 अक्टूबर को, ऑप्शन नंबर ए। 26 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 26 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 26 नवंबर राष्ट्रीय विधि दिवस। विश्व बाल दिवस कब मनाया जाता है? और शौचालय दिवस और पुरुष दिवस एक ही दिन मनाया जाता है ये भी बताइएगा। विश्व टेलीविज़न दिवस कब मनाया जाता है? 21 नवंबर। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर। 10 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। वीर बाल दिवस मनाया जाता है 26 दिसंबर को। विश्व विरासत स्थानों की संख्या सबसे अधिक किस देश में है? यह देश कौन सा है? तो यह है इटली, ऑप्शन नंबर बी। भारत का पहला विश्व विरासत शहर का दर्जा यूनेस्को द्वारा निम्नलिखित में से किस शहर को दिया गया था? किस शहर को? अहमदाबाद को, ऑप्शन नंबर डी। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? अजंता की गुफाएं यूनेस्को में 1983 में कहाँ है? तो महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर ए। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल ग्रेट लिविंग चोला मंदिर किस राज्य में स्थित है? 1987 में यूनेस्को में शामिल किया गया था ग्रेट लिविंग चोला मंदिर किस राज्य में है? तो यह राज्य हो जाएगा तमिलनाडु। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल रामप्पा मंदिर को कब जोड़ा गया था? रामप्पा मंदिर को यूनेस्को में कब शामिल किया गया था? 2021 में, ऑप्शन नंबर सी। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल 1985 में किस स्थल को नहीं जोड़ा गया था? ऑप्शन नंबर ए सूर्य मंदिर को, जब केवलादेव, काजीरंगा, मानस,
केवलादेव घाना पक्षी विहार कहाँ है बताइएगा। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? काजीरंगा है असम में। मानस वन जीव अभयारण्य है मानस असम में। केवलादेव पक्षी अभयारण्य घाना पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? सूर्य मंदिर कोणार्क उड़ीसा। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में सांची का स्तूप को कब शामिल किया गया? सांची का स्तूप अशोक के द्वारा निर्मित 1989 में। भारतीय वायुसेना का प्रधान कौन होता है? भारतीय वायुसेना का प्रधान कौन होता है? चीफ ऑफ द एयर स्टाफ, ऑप्शन नंबर बी चीफ ऑफ द एयर स्टाफ। क्वेश्चन नंबर 217, वायुसेना का पूर्वी कमांडर का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पूर्वी कमांडर का मुख्यालय जो कहाँ है? शिलोंग में। भारतीय सेना की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है? भारतीय सेना की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है? इसे कहते हैं सेक्शन। भारतीय सेना की उत्तरी कमान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? उत्तरी कमान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यह हो जाएगा कहाँ, यह उधमपुर। नौसेना को तीन कमांड में बांटा गया, तो इसका पूर्वी कमांड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पूर्वी कमांड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम। नेशनल डिफेंस एकेडमी प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? नेशनल डिफेंस एकेडमी प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए देहरादून। एयरफोर्स एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलेज प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? एयरफोर्स एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलेज प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? कहाँ है, यह हो जाएगा कोयम्बटूर। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF की स्थापना कब किया गया? CRPF की स्थापना 1939 में। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की स्थापना कब की गई? NSG की स्थापना कब की गई? ऑप्शन नंबर ए 1984 में। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की किस महिला को स्वर्ण पुरस्कार अशोक चक्र प्रदान किया गया था? केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की किस महिला को स्वर्ण पुरस्कार अशोक चक्र प्रदान किया गया था? ऑप्शन हो जाएगा बी कैप्टन कमलेश कुमारी को, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है। क्या भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, यह हो जाएगा नई दिल्ली। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, यह कहाँ है? लखनऊ में है, बिल्कुल राइट आंसर। कपड़ा उद्योग अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? कपड़ा उद्योग अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? यह हो जाएगा अहमदाबाद, ऑप्शन नंबर बी अहमदाबाद। क्वेश्चन नंबर 229, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? यह स्थित है ट्रॉम्बे, ऑप्शन नंबर ए। केंद्रीय यांत्रिक इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय यांत्रिक इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? यह स्थित है दुर्गापुर। केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय वन अनुसंधान केंद्र, यह कहाँ है? देहरादून। भारतीय मौसम वेधशाला पुणे। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग कोलकाता, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग कोलकाता दिया गया है। जिनमें से किसका संबंध सितार वाद्य यंत्र से नहीं है? सितार वाद्य यंत्र से नहीं है अलाउद्दीन खाँ का, जबकि निखिल बनर्जी, पंडित रविशंकर, विलायत खाँ का संबंध वाद्य यंत्र से है। किसका संबंध वासरी वाद्य यंत्र से नहीं है? वासरी वाद्य यंत्र से नहीं है उस्ताद बिंदु खाँ का, जबकि राजेंद्र प्रसन्ना, राजेंद्र कुलकर्णी, ए नील का संबंध वासरी वाद्य यंत्र से है। गुदई महाराज का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? गुदई महाराज का संबंध तबला से। किसका संबंध सरोद वाद्य यंत्र से नहीं है? सरोद वाद्य यंत्र से नहीं है, ऑप्शन नंबर डी भजन सुपारी, भजन सुपारी। बदरुद्दीन डांगर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? बदरुद्दीन डांगर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? ऑप्शन नंबर सी वीणा से। सोनाल मान सिंह किस नृत्य से संबंधित है? सोनाल मान सिंह किस नृत्य से संबंधित है? यह हो जाएगा भरतनाट्यम और उड़ीसी दोनों से। किसका संबंध कथक नृत्य शैली से है? कथक नृत्य शैली से संबंधित नहीं है, नहीं है। बिरजू महाराज का तो है ही है, सितारा देवी का भी है, शोभना नारायण का भी, जबकि प्रियदर्शनी गोविंद का नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से किसका संबंध मोहिनी अट्टम से है? मोहिनी अट्टम केरल का नृत्य है। किसका संबंध हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा इसका ए हेमा मालिन का, हेमा मालिन का। क्वेश्चन नंबर 242, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना कब किया गया? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का स्थापना 1861। भारतीय ललित कला अकादमी का स्थापना कब किया गया? ललित कला का स्थापना 1954। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का समाधि स्थल का नाम क्या है? मैं वहां पे गई भी हूँ, राजीव गांधी का समाधि स्थल का जो नाम है यह हो जाएगा कौन सा स्थल बताइएगा? वीरभूमि, बिल्कुल राइट आंसर वीरभूमि। राजघाट किस महापुरुष का समाधि स्थल है? महात्मा गांधी,
वहीं पे पास में ही स्थित है, जैसे वीरभूमि, महात्मा गांधी का राजघाट और इंदिरा गांधी का शक्ति स्थल, ऐसा सब एक पास में ही इकट्ठे में है। कभी दिल्ली आया करिएगा तो घूम सकते हैं। शांतिवन किसका समाधि स्थल है? शांतिवन किसका समाधि स्थल बताइएगा? ऑप्शन नंबर ए जवाहरलाल नेहरू का। खजुराहो का कंदारी महादेव मंदिर किसने बनाया था? कंदरिया महादेव मंदिर किसने बनाया था? यह बनाया था चंदेलों ने। लिंगराज मंदिर का नींव डाली थी किसने डाली थी? अयाति केसरी। मृगनयनी का महल का निर्माण करता कौन है? राजा मान सिंह। इनमें से कौन पर्यटन स्थल कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा निर्माण नहीं किया गया है? हौज खास का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा नहीं किया गया है, जबकि कुतुब मीनार ढाई दिन का झोपड़ा का निर्माण किया गया है। दिल्ली में हौज खास एक जगह भी है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ई और बी दोनों। इनमें से कौन पर्यटक स्थल महाराणा फतेह सिंह के द्वारा निर्माण किया गया था? किसका निर्माण? तो जगह सहेलियों की बाड़ी। इनमें से कौन पर्यटक स्थल शाहजहाँ के द्वारा निर्माण नहीं किया गया है? लाल किला, चीनी का राजा, दीवाने खास, ये सब का निर्माण शाहजहाँ, जबकि हुमायूं का मकबरा का निर्माण इसकी बेगम ने, हमीदा बानो बेगम ने की थी। इनमें से कौन जहांगीर महल का निर्माण किया था? जहांगीर महल का निर्माण किसने किया था? तो अकबर ने। लखनऊ में स्थित बड़ा इमामबाड़ा का निर्माण करता कौन है? इमामबाड़ा का निर्माण किसने करवाया था? नवाब आसफ उद्दौला ने। इनमें से कौन पर्यटक स्थल औरंगजेब द्वारा निर्माण किया गया है? बीवी का मकबरा का निर्माण औरंगजेब के द्वारा किया गया है, ऑप्शन नंबर ए। कौन पर्यटक स्थल जॉर्ज पंचम द्वारा निर्माण किया गया था? ऑप्शन हो जाएगा बी, प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम, ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से किस पर्यटक स्थल का निर्माण नरसिंह देव प्रथम द्वारा किया गया था? यह किया गया है कोणार्क मंदिर। निम्न में से विष्णुपद मंदिर का निर्माण करता कौन है? यह हो जाएगा रानी अहिल्याबाई। निम्नलिखित में से खिड़की मस्जिद का निर्माण करता कौन है? यह हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक। निम्न में से किस पर्यटन स्थल का निर्माण बिरला परिवार के द्वारा किया गया है? बिरला परिवार के द्वारा निर्माण किया गया है लक्ष्मी नारायण मंदिर जो है यह दिल्ली में ही स्थित है। यूनेस्को में किसे शामिल नहीं किया गया है? मिलान जो है गलत है। लाल किला को 2007 में यह सही है। भीमबेटका को 2003 में, एमपी। जंतर मंतर जयपुर 2010। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान ये 2015 यह गलत है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है वही दिया गया है, नालंदा महाविहार को कब शामिल किया गया यूनेस्को में, इसे याद रखिएगा नालंदा वाला। 2016 में, रानी के बाग 2014, धौलावीरा 2021 यह भी सही है, जबकि पश्चिमी घाट 2011 यह गलत है। विश्व विरासत सूची से निकाले गए विश्व विरासत स्थल सही नहीं है। और एक सेंचुरी ओमान 2007 यह सही है। एल्बा वैली जर्मनी 2009 यह भी सही है। गेटवे ऑफ इंडिया 1999 यह गलत है। लिवरपूल इंग्लैंड 2021। 264 नंबर प्रश्न, इनमें से कौन झारखंड का लोक नृत्य नहीं है? पंडवानी नहीं होना चाहिए, क्योंकि पंडवानी जो है छत्तीसगढ़ का है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। विदेशिया, जट जटिया, सरहुल, बिहार, झारखंड, ये सब का लोक नृत्य है। कौन आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है? कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, यक्षगान कर्नाटक। गरबा कहाँ का है? गरबा गुजरात का भी है, राजस्थान में भी किया जाता है। इनमें से कौन सा लोक नृत्य महाराष्ट्र का नहीं है? लावणी, तमाशा, यह सब तो महाराष्ट्र का है ही है, जबकि युद्ध नृत्य नहीं है, पोवाड़ा भी है। कौन सा नृत्य पुरुषों द्वारा किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी भांगड़ा, टिप्पानी, गरबा, घूमर, यह सब महिलाओं के द्वारा। निम्नलिखित में से शेख मुजीबुर रहमान का उपनाम क्या है?
इनका जो नाम है यह हो जाएगा बंगबंधु। नेक्स्ट है देशबंधु किसे कहा जाता है, देशबंधु सीआर दास को, और दीनबंधु किसे कहते हैं, जननायक किसे कहते हैं, यही बताइएगा जननायक किसे कहते हैं। इनमें से किसका उपनाम राजश्री के नाम से जाने जाते हैं, किसका उपनाम राजश्री के नाम से जाने जाते हैं, ऑप्शन नंबर ए पुरुषोत्तम दास टंडन। किसका उपनाम बिहार केसरी है, बिहार केसरी श्री कृष्ण सिंह, बिहार केसरी श्री कृष्ण सिंह। किसका उपनाम सुपर कैट है, सुपर कैट किसका नाम है, क्लाइव लॉयड का, क्लाइव लॉयड का। किसे अजात शत्रु कहा जाता है, अजात शत्रु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। कश्मीर का अकबर कहा जाता है जैनुल आबदीन को। इनमें से किसको भारत को किला के नाम से जाना जाता है, भारत को किला सरोजनी नायडू, ऑप्शन नंबर सी सरोजनी नायडू। किसको ब्लैक गांधी के नाम से जाना जाता है, किसको ब्लैक गांधी के नाम से जाना जाता है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर को। इनमें से किस व्यक्ति को वयोवृद्ध पुरुष के नाम से जाना जाता है, वयोवृद्ध पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, वयोवृद्ध दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑप्शन नंबर डी। नोबेल पुरस्कार मिलने वाले भारतीयों में से कौन सम्मिलित नहीं है, सी वी रमन को भौतिकी के क्षेत्र में, मदर टेरेसा को शांति के क्षेत्र में, अमर्त्य सेन को साहित्य के क्षेत्र में। कहीं ना कहीं यही गलत है क्योंकि अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया गया था। नोबेल पुरस्कार मिलने वाले भारतीयों में से कौन सम्मिलित नहीं है, हर गोविंद खुराना को चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया था, जी बिल्कुल यह सही है। वी एस नायपाल को साहित्य के क्षेत्र में, वेंकट रामकृष्ण को रसायन के क्षेत्र में, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, यह गलत है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, यह छः क्षेत्रों में, कितने क्षेत्रों में, छः क्षेत्रों में, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी, पहले पाँच ही क्षेत्र में। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन है, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन है, यह हो जाएंगे मलाला यूसुफ जई, मलाला यूसुफ जई। नोबेल पुरस्कार मरणोपरांत दिया जाने वाला, नोबेल पुरस्कार मरणोपरांत दिया जाना कब समाप्त किया गया, कब समाप्त किया गया 1974 में। अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 1969 में देना प्रारंभ हुआ था। दो अलग अलग क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहली और एकमात्र महिला कौन है, यह महिला कौन सी है, यह हो जाएगा मैरी क्यूरी। दो अलग अलग क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले पुरुष कौन है, पुरुष कौन है, तो लिनस पॉलिंग, लिनस पॉलिंग। नोबेल पुरस्कार से तीन बार सम्मानित एकमात्र संगठन कौन सा है, तीन बार, रेड क्रॉस समिति, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। ऑस्कर अवार्ड को पहली बार कब दिए गए थे, ऑस्कर अवार्ड पहली बार कब दिए गए थे, यह दिए गए थे 16 मई 1929 को, ऑस्कर अवार्ड 16 मई 1929 को। ऑस्कर पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब किसे मिला है, ऑस्कर पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब किसे मिला है, इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विल स्मिथ, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑस्कर से सम्मानित प्रथम भारतीय फिल्म कौन थी, ऑस्कर से सम्मानित प्रथम भारतीय फिल्म कौन सी थी, ऑप्शन नंबर ए मदर इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सी कृति अरुंधति राय की है, अरुंधति राय की कौन सी कृति है, तो द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। चिकित्सा के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, चिकित्सा के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, ऑप्शन हो जाएगा बी धनवंतरी पुरस्कार। पत्रकारिता के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, पत्रकारिता के क्षेत्र में पुलिसजर पुरस्कार, और प्रीत जकर पुरस्कार जो दिया जाता है, प्रीत जकर पुरस्कार वास्तुकला के क्षेत्र में। कौन पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में नहीं दिया जाता है, सरस्वती सम्मान, व्यास सम्मान, ज्ञानपीठ पुरस्कार, ऐसे साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, जबकि ग्रैमी पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में नहीं दिया जाता है। भारत रत्न पुरस्कार की स्थापना 2 जनवरी 1954 को किसने की थी, भारत रत्न पुरस्कार की स्थापना 2 जनवरी 1954 को किसने की थी, बताइएगा, ऑप्शन दिया गया है डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सबसे पहले भारत रत्न पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया था, सबसे पहले जो भारत रत्न दिया गया किसे दिया गया था, चंद्रशेखर वेंकट रमन को, चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य को, सर्वपल्ली राधाकृष्णन को, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी को। भारत रत्न पुरस्कार का आकार कैसा होता है,
भारत राज पुरस्कार का आकार कैसा होता है? बताइएगा। पीपल के पत्ते की तरह, ऑप्शन नंबर सी। भारत रत्न पाने वाले पहले वैज्ञानिक कौन थे? भारत रत्न पाने वाले पहले वैज्ञानिक कौन थे? सीवी रमन। भूपेन हजारिका को कब दिया गया था भारत रत्न? 2019 को। प्रणब मुखर्जी को 2019। भारत रत्न किन दो गैर नागरिकों को दिया जा चुका है? एक है खान अब्दुल गफ्फार का और दूसरा है नेल्सन मंडेला, ऑप्शन नंबर सी। भारत रत्न से सम्मानित पहली भारतीय महिला कौन थी? भारत रत्न से सम्मानित पहली भारतीय महिला कौन थी? इंदिरा गांधी, ऑप्शन नंबर बी। 2019 में भारत रत्न से किसको सम्मानित किया गया है? वही प्रश्न आगे। प्रणब मुखर्जी, भूपेन हजारिका, नानाजी देशमुख, ऑप्शन नंबर डी। भारत रत्न के अगले भाग में किसकी आकृति अंकित होती है? अगले भाग में सूर्य का, ऑप्शन नंबर ए। पद्म पुरस्कार विजेताओं की घोषणा किस दिन की जाती है? पद्म पुरस्कार विजेताओं की घोषणा किस दिन की जाती है? 300 प्रश्न हमने कंप्लीट कर लिया। गणतंत्र दिवस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं रात के 12 बज रहे हैं। वर्ष 2023 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार दिए गए हैं? वर्ष 2023 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार दिए गए हैं? यह दिया गया है 106 को। पद्म पुरस्कार के तीन प्रकार कौन से हैं? तो पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, उपयुक्त सभी। कौन वीरता पुरस्कार नहीं है? कौन वीरता पुरस्कार नहीं है? 25 क्वेश्चन और रह गए हैं एक ही वीडियो में, आज मैंने कंप्लीट करवा दिया। धर्मवीर चक्र वीरता पुरस्कार नहीं, धर्मवीर चक्र, परमवीर, महावीर और वीर चक्र जो है यह वीरता पुरस्कार है। युद्ध के समय सैनिकों को दिए जाने वाले वीरता पुरस्कार निम्न में से कौन सा है? युद्ध के समय सैनिकों को दिए जाने वाले वीरता पुरस्कार निम्न में से कौन सा है? यह हो जाएगा उपयुक्त सभी, परमवीर, महावीर और वीर चक्र। शांति के समय सैनिकों व सामान्य व्यक्तियों को दिए जाने वाले वीरता पुरस्कार निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र। शांति के समय सैनिकों व सामान्य व्यक्तियों को जाने वाले वीरता पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन सा है? अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में मलयालम के लेखक जी शंकर कुरुप को किस कृति के लिए दिया गया था? प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया था? तो मलयालम के लेखक हैं जी शंकर कुरुप, इनके किन कृति के कारण दिया गया था? ऑप्शन हो जाएगा सी, अंडा खुजई, अंडा खुजाई। प्रथम हिंदी साहित्य चितम्बरा किसकी कृति है? चितम्बरा सुमित्रानंदन पंत की। इनमें से किसका कृति सुमेलित नहीं है? किसका कृति सुमेलित नहीं है? विष्णु डे, इनका कृति का नाम है अस्मृति सत्ता भविष्यत, बांग्ला भाषा में है। फिराक गोरखपुरी गुल ए नगमा, उर्दू भाषा में। अमृता प्रीतम के कागज थे कैनवास, पंजाबी भाषा में। जबकि गिरीश कनाड याति मराठी भाषा में, यह गलत है। इनमें से लीग ऑफ नेशंस के संस्थापक कौन थे? लीग ऑफ नेशंस के संस्थापक कौन थे बताइएगा। इसके लेखक हैं बुड्रो विल्सन, ऑप्शन नंबर ए बुड्रो विल्सन। क्वेश्चन नंबर 310, इनमें से किसका संस्थापक रविंद्रनाथ ठाकुर है? रविंद्रनाथ ठाकुर, यह हो जाएगा शांति निकेतन। किसका संस्थापक आचार्य नरेंद्र देव है? किसका संस्थापक आचार्य नरेंद्र देव है? ऑप्शन नंबर सी समाज के प्रवर्तक। मेसोडोनिया किस व्यक्ति से संबंधित स्थान है? मेसोडोनिया या सिकंदर महान से। किस व्यक्तियों से संबंधित स्थान से सुमेलित नहीं है? पावापुरी, गौतम बुद्ध, यह गलत है। बारदोली सरदार पटेल, कुंडग्राम महावीर, मक्का मोहम्मद साहब, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वापुरी महावीर से संबंधित है। फतेहपुर सिकरी किस व्यक्ति से संबंधित स्थान है? फतेहपुर सिकरी अकबर से, ऑप्शन नंबर बी। कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? जीमूत वाहन, दयाभाग, दंडी, अवंती सुंदरी, सूरदास कृष्णा, सहित लहरी, खुशवंत सिंह, कोटी नाइज, डेज, यह गलत है। ऑप्शन नंबर डी। इनमें से कौन सुमेलित है? विष्णु शर्मा, प्रेम वाटिका, ऑप्शन नंबर इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यह जो है सुमेरी से शूद्रक का जो रचना है, यह हो जाएगा मृच्छकटिका। पंचतंत्र की रचना किसने की थी? तो विष्णु शर्मा ने। बुद्ध चरित कृष्णा किसने की थी बताइएगा? बुद्ध चरित की जो रचना की थी यह की थी अश्वघोष ने। कौन सा पुस्तक जयशंकर प्रसाद का है? जयशंकर प्रसाद का पुस्तक आंसू, कमायनी, लहर, ऑप्शन नंबर डी।
कौन सा पुस्तक रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है? गोरा और पोस्ट ऑफिस ये होना चाहिए, विसर्जन और गार्डनर, चित्रांगण और गीतांजलि। ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। सूर्यकांत त्रिपाठी के द्वारा लिखा गया पुस्तक का क्या नाम है? अनामिका और परिमल। सूर्यकांत त्रिपाठी के द्वारा लिखा गया पुस्तक का नाम क्या है? अनामिका और परिमल। नेक्स्ट है, कालिदास द्वारा लिखा गया पुस्तक निम्न में से कौन सा है? कालिदास द्वारा लिखित पुस्तक कौन सा है? रघुवंशम मेघदूतम। मुद्रा राक्षस किसकी है बताइएगा, मुद्रा राक्षस किसकी पुस्तक है? राज तरंगिणी के लेखक है कलहन, कलहन। विशाख दत्त के लेखक है, विशाख दत्त की पुस्तक का नाम है मुद्रा राक्षस। इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर डी देवकी नंदन खत्री नेचर की ओर, यह गलत है। कबीर दास की पुस्तक बीजक, रामायणी और संवाद, रामधारी से दिनकर का कुरुक्षेत्र और उर्वशी, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय का पुस्तक देवदास और चरित्रहीन। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? लेखक और पुस्तक दिया गया है। मुल्कराज आनंद की पुस्तक है कुली, द बिग हट, सैमन समरी। कुलदीप नैयर के पुस्तक का नाम है इंडिया आफ्टर नेहरू और जजमेंट। प्रेमचंद के पुस्तक का नाम है गोदान, गबन, कर्मभूमि और रंगभूमि। ऑप्शन नंबर डी जो है यह गलत है। क्वेश्चन नंबर है 323, कौन सुमेलित है? इसका राइट आंसर दिया गया ऑप्शन नंबर डी, गुन्नार मिडल अंगेस्ट द स्ट्रीम एशियन ड्रामा, यह सब गुन्नार मिडल की पुस्तक है। फॉर्म हाउस, एनिमल पार्क, जॉर्ज ऑरवेल की पुस्तक, वॉर एंड पीस, लियो टॉलस्टॉय की पुस्तक है। कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर सी जो है सुमेलित नहीं है। एडम स्मिथ की पुस्तक है वेल्थ ऑफ नेशन, दांते डिवाइन कॉमेडी, प्लेटो रिपब्लिक। निम्न में से मिलान कीजिए, निम्न को मिलान करिए, 325 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैक्सिम गोर्की के पुस्तक, मैक्सिम गोर्की मदर, कैथरीन मेयो की पुस्तक मदर इंडिया, मैकियावेली की पुस्तक द प्रिंस, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की पुस्तक मैन एंड सुपरमैन। एक बार फिर से मिलाते हैं, मैक्सिको गोर्की के पुस्तक का नाम है मदर, कैथरीन मेयो की पुस्तक का नाम है मदर इंडिया, मैकियावेली पुस्तक का नाम है द प्रिंस और जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की पुस्तक का नाम है मैन एंड सुपरमैन। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 326 नंबर, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? आज मैंने रिकॉर्ड तोड़ दिया लगभग एक घंटे में 329 क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करवा दिया। बताइएगा कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर डी जो सुमेलित नहीं है, जबकि रूसो, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, एडॉल्फ हिटलर की पुस्तक मीन कैफ, माइकल क्रिस्टन की पुस्तक जुरासिक पार्क। निम्न में से किसका मिलान कीजिए, निम्न में से मिलान कीजिए, मिलान करिए भाई, मैडोना किसके लेखक है? यह जगह सेक्स का। ऑप्शन नंबर दो, तस्लीमा नसरिन लज्जा। पीवी नरसिंह राव का हो जाएगा द इनसाइडर। लेसी फास्वर्थ का इंडिया गेट। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 328, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर डी जो है सुमेलित नहीं है, विक्रम सेठ की पुस्तक है सेंट टेबल बॉय, गोल्डन गेट, नवीन चावला की पुस्तक मर्डर ट्रेसा, मेनका गांधी का हेड एंड टेल्स। क्वेश्चन नंबर 29 और ये लास्ट प्रश्न है और बहुत ही अच्छे ढंग से बिल्कुल आराम से मैंने आप लोग को कंप्लीट करवा दिया। अगर यह वीडियो पसंद आप लोग को आया होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, अगर अभी वीडियो को लाइक नहीं किया है अभी तक तो हमारे वीडियो को लाइक कर लेंगे। चलिए मिलान कीजिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तुषार गांधी, लेट्स किल गांधी। बराक ओबामा की पुस्तक द ऑडिलिटी ऑफ होप, झुंपा लाहिरी पुस्तक के लेखक हैं, झुंपा लाहिरी के पुस्तक का नाम है द नेम सेफ। व्लादिमीर पुतिन के पुस्तक फर्स्ट पर्सन। चलिए 329 क्वेश्चन को बहुत ही कम टाइम में, क्योंकि मुझे पता है कि एग्जाम है जो नज़दीक आ चुका है, टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा था नहीं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।